नमस्कार मित्रों, एक नए वीडियो के साथ मैं प्रोफेसर सीपी भसीन आपके सामने उपस्थित हूं। कृपया वीडियो को लास्ट तक देखने की गुजारिश है, क्योंकि यह किसी ज्ञान से संबंधित नहीं है। मित्रों, 1964 में एक पिक्चर आई थी, 20 अक्टूबर को रिलीज हुई थी। 20 अक्टूबर 1964 को फिल्म का नाम था राजकुमार। उसमें जो पृथ्वीराज कपूर जी ने और शम्मी कपूर जी ने भूमिकाएं निभाई थी, और साधना जी ने जो साथ दिया था, वाह क्या कहना। और प्राण और ओम प्रकाश जी का नाम भी भुलाया नहीं जा सकता। उसमें गाने को जो संगीत दिया था शंकर जयकिशन ने दिया था, और जो बोल थे वो हजरत जयपुरी के थे। उसमें एक गाना था, इंसान की नियत ठीक नहीं, निकला ना करो तुम यूं घर से, ईमान की नियत ठीक नहीं। पहली लाइन अब जरा सुन लीजिए, इस रंग बदलती दुनिया में, इस रंग बदलती दुनिया में इंसान की नियत ठीक नहीं, निकला ना करो तुम यूं घर से, ईमान की नियत ठीक नहीं। मित्रों, 1964 में क्या सूझी थी उस समय गीतकार और संगीतकार को, और रफी साहब ने जिस आवाज में गाया था, क्या बात कहो। कितने साल हो गए 64 को, आप जरा खुद ही याद कर लीजिए, 60 साल हो गए हैं। उस समय उन्होंने कहा था, इस रंग बदलती दुनिया में। मित्रों, गिरगिट को तो बहुत देखा है, यदि गिरगिट से भी पूछा जाए, उस बेचारे की मजबूरी है। रंग क्यों बदलता है? अपनी जान बचाने के लिए रंग बदलता है। उसको ऐसा लगता है कि मेरे ऊपर खतरा हो जाएगा, वो रंग बदल के प्लांट जैसा बन जाएगा। दूसरा एक कारण और है, थोड़ा बायोलॉजिकल है। दो तरह के प्राणी होते हैं, कोल्ड ब्लडेड, वार्म ब्लडेड। वार्म ब्लडेड हम लोग हैं, हमारा टेम्परेचर आप लेह लद्दाख में जाइए उतना ही रहेगा, और आप चाहे तिरुवनंतपुरम में मई जून में जाइए उतने वार्म ब्लडेड कहलाते हैं। जिनका टेम्परेचर वातावरण के अनुसार बदलता है वो कोल्ड ब्लडेड कहलाते हैं। तो चलिए, गिरगिट की तो मजबूरी है, वो रंग बदलता है क्योंकि उसे जान भी बचानी है और अपने प्राणों की रक्षा भी करनी है वातावरण से। परमात्मा ने हमको वार्म ब्लडेड बनाया है, हर मौसम में हमारे खून का टेम्परेचर वही होगा, 97.4 डिग्री फॉरेनहाइट, सॉरी। लेकिन ना जाने क्यों इस दुनिया में लोग कैसे कैसे रंग बदलते हैं। मित्रों, दुख होता है, बहुत दुख होता है। कहा जाता है, भारतीय संस्कृति में कहा गया है, और ये यूनिवर्सल है, भारतीय संस्कृति से बाहर निकल गई, तीन ऐसे जगत में प्राणी होते हैं जिनका कभी ऋण नहीं उतारा जा सकता, माता पिता और गुरु। मैं समझता हूं जो भी शिक्षा जगत से जुड़ा हुआ है, अपने आप को शिक्षक मानता है, या जो शिक्षा जगत से जुड़ा हुआ भी नहीं है, जिसमें शिक्षक का मन कहीं ना कहीं छुपा हुआ है, वो इस बात से एग्री करेगा, माता पिता और गुरु के ऋण को कभी उतारा नहीं जा सकता। मैं अपने गुरु याद करता रहता हूं, जो गुरु इस दुनिया में नहीं है, चाहे आदरणीय घनश्याम श्रीवास्तव जी हो या प्रोफेसर आर सी मेहरोत्रा साहब हो। कोशिश करता हूं दिन में कम से कम 2-3 बार को तो उनको हृदय से नमन कर लूं, क्योंकि उन्होंने मुझे जो ज्ञान दिया है, शायद मैं उस ज्ञान के बिना अधूरा ही रहता। लेकिन आज की इस रंग बदलती दुनिया में, मित्रों बात मेरी कड़वी ही होती है, विद्यार्थी जिस तरह रंग बदलते हैं ना, वो गिरगिट को भी मात कर देते हैं। विद्यार्थी भूल जाता है कि माता पिता के बाद तीसरा स्थान शिक्षक का भी होता है। यदि शिक्षक आपका जीवन बनाता है और आपको डांटता है, तो शायद आपके भले के लिए ही डांटता है। कई परिस्थितियां ऐसी हो सकती हैं, जो मेरे पुराने पीएचडी विद्यार्थी हैं, 15-20 साल पहले जिन्होंने पीएचडी कर ली है, मैं उनका फोन पिकअप ना कर पाया हूं, लेकिन विद्यार्थी के मुंह से यह सुनना कि सर आपने मेरा फोन पिकअप नहीं किया था, इससे बड़ा ये मैं कहता हूं मानसिक पीड़ा किसी शिक्षक को कोई नहीं हो सकती। अरे जिनके इंस्पिरेशनल रहते थे, मैं नहीं था इंस्पिरेशनल, जो मेरे को इंस्पिरेशनल कहते थे, मोटिवेशनल कहते थे, अभी 2 साल पहले तक 1-1 घंटे फोन पे मेरे से गाइडेंस लेते थे कि सर आप बताइए मैं किस तरह पीएचडी गाइड बनूं, मेरे में कॉन्फिडेंस नहीं है, मैं कॉन्फिडेंस नहीं गेन कर पा रही कि पीएचडी गाइड बनूं। मैंने कहा बनिए, आपको कोई दिक्कत है आप मेरे से फोन पर कॉन्टेक्ट कीजिए, मैं आपको गाइड करूंगा। ना जाने क्यों उन्होंने पहले भी कई बार रंग बदला है, फिर रंग बदला था और अब फिर रंग बदल दिया। इस रंग बदलती दुनिया में इंसान की नियत ठीक नहीं,
निकला ना करो तुम यूं घर से, ईमान की नीयत ठीक नहीं। सैल्यूट करता हूं उनके ईमान को भी जिन्होंने गिरगिट से भी ज्यादा रंग बदलकर शिक्षण जगत को कलंकित किया है। नमस्कार।